हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ ठीक हो। इन टेक्नो पे फिर से आपका स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ कि ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखा। कैसे आप जो है सॉन्ग का ट्रेलर या फिर फिल्म का ट्रेलर बना सकते हैं, वो भी मोबाइल के मदद से। ठीक है, तो मैं तुलसी कुमार की जो न्यू सॉन्ग तन्हाई, उसका पूरा डुप्लीकेट करके दिखा दूंगा कैसे आप बना सकते हो, वो भी काइन मास्टर एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो मैं उनका सेम करूँगा, आप भी उस तरीके से कर लेना, बहुत ही प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं उनका ही कॉपी किया। तो मैं इसको बनाने के लिए कोई भी मैं वीडियो का ट्यूटोरियल का कुछ भी हेल्प नहीं लिया, पूरा मेरा मेहनत के वजह से ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनते हैं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नया नया वीडियो आपको मिलता रहेगा। तन्हाई को देखने का अपना अपना नजरिया है, सबके लिए तन्हाई का मतलब जुदा जुदा है। तो उसके लिए पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। तो मैं सिंपली काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद 1:1 रिजोल्यूशन चूज कर लेना है। ठीक है, तो मैं उसके बाद जो है अपना जो सॉन्ग का पोस्टर है उसको ऐड कर लेना है। तो तुलसी कुमार का वो सॉन्ग का पोस्टर इस फोटो से बनाया है। ठीक है, तो मैं इसी फोटो को ऐड कर लिया। उसके बाद आपको फोटो पे क्लिक करके जो है जूम पे जाके स्टार्ट पोजीशन एकदम आई पूरा एकदम आई को कर देना है। ठीक है, इस तरीके से जूम करना है जितना हो सके। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब सेकेंड जो एंड पोजीशन पे चले आना है और इसको फुल स्क्रीन तक कर देना है। तो ये होगा कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको कर लेना है एक्सपोर्ट। मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इसको। ये एक्सपोर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है और जो सॉन्ग का टाइटल है वो सब वगैरह वगैरह आपको डाल देना है। ठीक है, सॉन्ग का टाइटल कौन गाना है। ठीक है, तो मैं स्पीड में कर देता हूँ, आप लोग कर लेना। तो उसके बाद आपको जो एक कलर को चूज़ कर लेना। मैं पहले सिंपल एक कलर को चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद जो इसको ट्रांसलेट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। पहला उसका टाइटल जो है तन्हाई है। आप अपना टाइटल जो है ऐड कर लेना, ये कुछ ऐसा टाइटल है सॉन्ग का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे आके जो है इसका स्पेसिंग कर देना है। थोड़ा स्पेसिंग देने के बाद उसका पोजीशन जो है एकदम सेंटर पे कर देना है। इसके लिए आपको ये पोजीशन पे आके सेंटर कर देना है, सॉरी ये नहीं, ये जो पोजीशन इसको सेंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसका फॉन्ट जो है चूज कर लेना है, एक बोल्ड टाइप का फॉन्ट चूज कर लेना, ये ठीक है। ये चूज करने के बाद इसका साइज जो है छोटा कर देना है। ठीक है, तो मैं साइज जो है छोटा कर देता हूँ। इसका साइज छोटा कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से साइज जो है छोटा कर दिया, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्लास ले जाके शेप ले लेना है इस तरीके का शेप, और ये इतना करके जो है एक ब्लैक कलर कर देना है। ठीक है, और इसका साइज पहले बैकग्राउंड का कलर जो है चेंज कर लेना। ठीक है, कोई भी कलर दे देना। उसके बाद जो है इसको आई एंड टी को रख के जो है पूरा एक कर देना, उसके बाद इतना छोटा कर देना। ठीक है, और इसको सेंटर पे रख देना है, और भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको जो है इस तरीके से रख देना है। ठीक है, और इसके बाद जो है टेक्स्ट पे जाके जो सिंगर है उसका नाम लिख देना है। तो ये तुलसी कुमार का सॉन्ग है, तुलसी कुमार लिख देता हूँ, उसको कैपिटल पे लिख देना है, सॉरी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसका उसका नाम जो है लिख दिया। उसके बाद जो है इसका साइज छोटा कर देना है और इसको जो है स्पेसिंग दे देना है। ठीक है, इसका जो है स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा दे देना है इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से हो ही गया है, एकदम परफेक्ट तरीके से ये हो गया, और हाँ एकदम हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ब्लैक कलर जो है पहले
टेक्स्ट को जो है लॉक कर देना, उसके बाद जो ब्लैक कलर को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इस पर टैप करके तीनों लेयर को जो है मर्ज कर लेना है, ठीक है, सिलेक्ट करके ऐसे मर्ज कर लेना है, ठीक है, मर्ज हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके जो है इरेज कलर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो है ब्लैक कलर को चूज करके पिक कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से ही उन्होंने जो है उनके ट्रेलर बनाया है। ये उसके बाद फिर से टेक्स्ट पे जाके उसके बाद एक ये सॉन्ग भूषण कुमार का प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनका नाम लिख देना है। उन्होंने जैसे लिख करा मैं सेम कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना। भूषण सेम इस तरीके से उन्होंने किया है। उसके बाद जो है फॉन्ट इसको चूज कर लेना है, बोल्ड टाइप की फॉन्ट इसको चूज कर लेना है। उसके बाद स्पेसिंग दे देना है और इसको ऊपर में सेट कर देना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसका जो है ट्रांसपेरेंट कर देना है, उसके बाद जो है इसको सेव कर देना है एक्सपोर्ट इमेज करके। उसके बाद जो है डिफॉल्ट को अल्टर कर लेना है, उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब लेयर को डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद आपको जो है और कुछ नीचे लिख देना है सॉन्ग का, तो वो सब टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ, वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सब कुछ होने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेम इस तरीके से जो है ऐड कर लेना, तो ये कुछ इस तरीके से लिख दे। उसके बाद जो इमेज का साइज़ आपको थंबनेल चूज कर देना है, यूट्यूब थंबनेल साइज चूज कर देना है, और इसको फुल बड़ा कर देना है। उसके बाद जो इसका टेक्स्ट आप फॉन्ट आपको चूज कर लेना है, ये भी बोल्ड टाइप का ही फॉन्ट होगा, ठीक है। तो मैं कुछ इतना ये चूज कर लिया। उसके बाद आपको उसका स्पेसिंग थोड़ा देना है, ज़्यादा नहीं देना, एक या दो, ठीक है, ये मैंने दे दिया। उसको ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद फिर से मैं एक लाइन को ऐड कर लेता हूँ, आप लोग ऐड कर लीजिए। तो मैं इस लाइन को जो है ऐड कर लिया। इसके बाद जो इसका साइज जो है छोटा कर देना है, ये इस तरीके से छोटा मैंने कर लिया। उसके बाद जो इसका एक फॉन्ट दे देना है, ये बोल्ड टाइप का फॉन्ट नहीं दोगे तो ही अच्छा रहेगा, ये दे दिया। उसके बाद जो स्पेसिंग दे देना है, ठीक है, तो मैं स्पेसिंग दे दिया। आप देखो ये मिडिल पे आ गया, इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। फिर से आपको फॉन्ट पे जाके टेक्स्ट पे जाके एक फॉन्ट ऐड कर लेना है, वो मैं भी करके दिखा देता हूँ। डायरेक्टर का लाइन जो मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद जो इसका स्पेसिंग दे देना है, ठीक है, स्पेसिंग देने के बाद इसका फॉन्ट जो है बोल्ड टाइप का चूज कर लेना है, थोड़ा बड़ा कर देना है। उसके बाद आपको जो है फॉन्ट कुछ नहीं ये ज़्यादा बोल्ड हो गया, ठीक है, ये चूज कर लेता हूँ, इसको नीचे सेट कर देगा, ठीक है, ये हो गया। ट्रांसपेरेंट करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब उसको जो है एक्सपोर्ट इमेज पे जाके अल्ट्रा करके सेव कर देना है, अल्ट्रा सेव टू गैलरी, ठीक है। ये इतने होने के बाद अब देख लेना मेरा जो ट्यूटोरियल है पूरा, उनका जो है उनके ट्रेलर के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। तो काइनमास्टर को कर लेते हो ओपन, तो फिर से काइनमास्टर को ओपन करने के बाद इस लेयर को जो है डिलीट कर देना है, और जो एक्सपोर्ट किया वो एक्सपोर्ट वाला लेयर को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा दो ऐड हो गए, एक डिलीट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से आपको जो है ये स्टार्ट पोजीशन पे जाके फिर से आई को ज़्यादा तरीके से जितना हो सके उतना कर देना है, ठीक है। इसके ये हो गया, उसके बाद जो इसको एड पोजिशन यही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इमेज को ऐड कर लेना है फिर से, तो मैं वही इमेज को ऐड कर लेता हूँ। आप अपना पोस्टर जो है ऐड कर देना, इसको इक्वल करके जो है फील्ड स्क्रीन कर देना है, हो गया। आप आपको देख लेना है कि ये सही से हुआ या नहीं। तो ये देख सकते हैं थोड़ा इधर होगा, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, यह अभी ठीक है। तो इसको एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ, और इसको जो है इफेक्ट पे जाके आपको जो है ये मिल जाएगा, क्लासिक इफेक्ट पे जाके फेड दे देना है, ठीक है, फेड दे दिया। और इसका जो है टाइम थोड़ा बढ़ा देना है,
तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ आ जाना है और एक वीडियो ऐड कर देना है कलर वाला वीडियो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। तो उसको ऐड करने के बाद फिल टू स्क्रीन कर देना है, ठीक है। और इसका जो है क्रोमा की एनेबल कर देना है, मैं क्रोमा की को एनेबल कर देता हूँ। ये हो गया। ये ग्रीन स्क्रीन का ब्लेंडिंग मोड जो है स्क्रीन कर देना है, तो स्क्रीन कर दिया। तो जहाँ से ये ख़त्म हो गया, तो इतना होने के बाद फिर से आपको क्या करना है, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ ग्रीन स्क्रीन वहाँ आ जाना है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। यहाँ आने के बाद आपको लेयर पे जाके जो है ओवर ले पे एक लेयर पे जाके ओवर ले पे जो एक बॉर्डर, आपको एक बॉर्डर डाउनलोड कर लेना है, उसका नाम है फोटोबॉल। वो आपको प्ले स्टोर पे ऐसे ऐसे स्टोर पे मिल जाएगा। उसके बाद इसको चूज़ कर लेना है, इसको जो है एकदम स्क्रीन पे कर देना है, ठीक है। मैं स्क्रीन तक कर देता हूँ। ये स्क्रीन तक हो गया। उसके बाद आपको जो है इसका एनिमेशन दे देना है। यहाँ आके आपको ये स्केल डाउन जो है एनिमेशन दे देना है। उन्होंने ये ही एनिमेशन जो है उनके वीडियो पे ऐड किया। उसके बाद और एक चीज़ करना है, वो है जो है टेक्स्ट को, जो जो टेक्स्ट को अपने एक्सपोर्ट किया पिक्सल लैब से उनको ऐड कर लेना है। पहले सॉन्ग का नेम जो है उनको ऐड कर देता हूँ और इसका साइज देख लेता हूँ। ये कुछ यहाँ होगा। और उसके बाद इसका एनिमेशन जो है स्लाइड अप कर देना है, ठीक है। स्लाइड अप हो गया। उसके बाद फिर से आप पहले पोर्शन पे चले आना है। उसके बाद जो एक टेक्स्ट लिख देना है, कमिंग सून करके लिख देना। स्पेसिंग करके लिखोगे तो ये अच्छा होगा। सून ये लिख दिया। उसके बाद आपको इसका एनिमेशन जो है एनिमेशन वाइप राइट दे देना है। और इसको जो है ऐड कर लेना है पोजीशन इसका, इसके नीचे जो है ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट जो है एक चूज़ कर लेना, नॉर्मल से चूज़ कर लेना। ये हो गया इतना। उसके बाद फिर से आपको जो है मीडिया पे जाके, लेयर पे जाके जो लास्ट में एक्सपोर्ट किया डायरेक्टर वगैरह वगैरह उसको ऐड कर लेना है। सॉरी ये ब्लैक कलर में नहीं है, तो इसको मैं फिर से पिक्सल लैब पे जाके ब्लैक कलर में एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। वेट कीजिए, मैं फिर से पिक्सल लैब पे चला है। उसके बाद जो है मैं चारों लेयर को जो है एक साथ मर्ज कर देना है, ताकि एक ही बार में मैं जो ब्लैक कलर कर सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको इसका एनेबल कलर कर देना है, इसका कलर जो है ब्लैक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इमेज साइज ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट इमेज पे जाके इसको कस्टम पे अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर देना है, ठीक है। ये सेव हो गया। उसके बाद में मैं फिर से काइनमास्टर पे बैक आ जाता हूँ और उसको उसको जो है ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उस लेयर को। तो मैं इसको ऐड कर लिया और इसका पोजीशन जो है मैं कर देता हूँ, ये यह ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है एनिमेशन, इन एनिमेशन आपको फिर से स्लाइड अप दे देना है, स्केल अप नहीं स्लाइड अप, ये ऊपर स्लाइड अप को दे देना है। और एक जो है ऐड उन्होंने किया था टेक्स्ट, उसको मैं ऐड कर देता हूँ, गुलशन। लिख दिया। उसके बाद जो है इसको स्लाइड स्केल डाउन कर देना है, ठीक है। इसको स्केल डाउन करके इसका जो है फॉन्ट एक चूज़ कर लेना है, बोल्ड टाइप का। इसको रहने देते हैं। और इसका जो है साइज, इसको आपको ऊपर सेट कर देना पड़ेगा। इसका साइज छोटा कर देना है और इसको ऊपर ऐसे सेट कर देना है, ठीक है। तो ट्यूटोरियल अभी थोड़ा बहुत रेडी है, आप देख लीजिए एक बार। तो ट्यूटोरियल कैसा लगा उसका जो है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता देना। या आप अपने सॉन्ग पे जो है कवर सॉन्ग पे ऐड कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। उसका जो है ट्रेलर पहले से आप डाल दोगे तो
लोगों पे इंटरेस्ट जाएगा, इतना अच्छा खेला है तो सॉन्ग जरूर से अच्छा होगा। उसके बाद जो मैं उन्हीं की सॉन्ग का जो म्यूज़िक है उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑडियो करके जो है सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ, आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अब उनके ओरिजिनल उनका ओरिजिनल जो ट्रेलर है वो मैं आपको दिखा दूंगा, पहले प्रीव्यू में ही दिखा दूंगा, ठीक है, वो देख लेना, उसके बाद जो इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, बहुत ही कम सब्सक्राइब है मेरा, तो सब्सक्राइब कर लेना, ये एक ही रिक्वेस्ट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना ताकि मैं भी मोटिवेट होकर और भी अच्छा वीडियो बना सकूँ, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर एंड बाय बाय।